नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। पिछले 12 जुलाई से 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में आज एक नया वीडियो सामने आया है जहां पर आशा कार्यकर्ता सदर अस्पताल परिसर में थाली पीटकर भूख हड़ताल की है। इस दौरान सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई है। ये जो पूरा मामला है ये जहानाबाद का है। आशा कार्यकर्ता का क्या कहना है पहले आपको वो सुनाते हैं। सर, हम लोग 12 तारीख से हड़ताल पर थे, अनिश्चितकालीन हड़ताल। हम लोग PHC में हड़ताल कर रहे हैं, सदर में हड़ताल कर रहे हैं, टीकाकरण बाधित कर रहे हैं, ANC गर्भवती महिला का जांच बाधित कर रहे हैं। ये सब बाधित करने का मकसद है कि सरकार तक ये आवाज जाए, क्योंकि 2005 से हम लोग बहाल हुए हैं या इसी तरह घिस्टा के हम लोग काम करते हैं। हम लोग केवल आंख दिखा के ये काम नहीं करेगी तो हटा दिया जाएगा, इस काम नहीं करेगी तो हटा दिया जाएगा। कितनी सूत्री मांग है उसके लिए? मांग हम लोग को है 9 सूत्री सर, और 9 सूत्री मांग में है कि पहला हम लोग को 10,000 वेतन किया जाए, फैसिलिटेटर को 15,000 किया जाए, आशा को 10,000 किया जाए, और परितोषित जो है परितोषित शब्द हटा के मानदेय के रूप में उसको दिया जाए। इसके लिए आज क्या कर रहे हैं आपको? आज हम लोग थाली बजाकर भूख हड़ताल कर रहे हैं सर। आज कोई ऐसा दीदी खाना नहीं खाई है, खाना मांग रहे हैं नीतीश सरकार से, तेजस्वी सरकार से कि हमें खाना दो, लेकिन उसके उनके कान में कुछ नहीं। एक तरफ से सरकार कहता है कि बेटी बचाओ। क्या सर, हम लोग बेटी नहीं है? हम लोग भी तो किसी घर का बेटी है, बहू है। तो उस हम लोग जैसा बेटी बहू को रोड पर लाकर सरकार ने छोड़ दिया है। अच्छी बताइए कि आप लोग के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य विभाग पर कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है सर। टीकाकरण जबकि 25% हो गया है सर, ANC जांच भी 25% महिला ही जा रही है। हम केवल आशा दीदी के ही खोजता है, अभी परसेंटेज कम गया, वो भी 30-40% जा रहा है, बाकी सब घर में हो जा रहा है। काम प्रभावित हो रहा है? हाँ, बहुत कष्ट के प्रभावित हो रहा है सर। लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा कुमारी, फैसिलिटेटर है। तो जैसा कि आपने आशा कार्यकर्ता को सुना, उनका कहना है कि सरकार हम लोगों को सड़क पर भूखा छोड़ दी है, और पिछले 12 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर हैं, बावजूद इसके सरकार हम लोगों का हाल जानने के लिए आगे तक नहीं आई है। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं के हड़ताल पर रहने के कारण बच्चों का टीकाकरण भी बाधित है। वहीं हड़ताल पर रहे आशा कार्यकर्ताओं ने अन्य स्वास्थ्य सेवा को भी बाधित किया है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर हमारी मांगे को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ये प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर देखने के लिए शुक्रिया।